खबर आ रही है हरियाणा चुनाव से जुड़ी हुई, जहां पर जो राम को लाए हैं भजन को गाने वाले गायक कन्हैया मित्तल जल्द ही कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। यूपी चुनाव में कन्हैया मित्तल का गाना चर्चित हुआ था। कन्हैया लाल मित्तल ने फोन पर इस बारे में जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि अभी ज्वाइनिंग का समय निश्चित नहीं हुआ है, जैसे ही समय निश्चित होगा जानकारी साझा की जाएगी। उन्होंने ही जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे गाना गाया है और अब बहुत ही जल्द कांग्रेस ये ज्वाइन करने वाले हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव है और इस चुनाव की जो सरगर्मियां हैं वो शुरू हो चुकी हैं। जो राम को लाए हैं भजन को गाने वाले गायक कन्हैया मित्तल जल्द ही कांग्रेस ज्वाइन करने वाले हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। यूपी चुनाव के दौरान कन्हैया मित्तल का गाना चर्चित हुआ था। कन्हैया लाल मित्तल ने फोन पर इस बारे में जानकारी दी है। उन्होंने कहा अभी ज्वाइनिंग का समय निश्चित नहीं है, जैसे ही समय निश्चित होगा जानकारी साझा की जाएगी। उन्होंने ही जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे गाना गाया है। आए हैं श्री राम अवध में, आए हैं श्री राम भवन में, आए हैं श्री राम अवध में, आए हैं श्री राम सरयू के तट के किनारे खड़े हैं नर और नारी, साधु राजा खड़े हैं स्वागत की तैयारी। राम लला वन में आए हैं श्री राम अवध में, आए हैं श्री राम भवन में, आए हैं श्री राम अवध में, आए हैं श्री राम। तो सुना आपने, और हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए अशरफ जुड़ गए। अशरफ, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे गाना बहुत चर्चित रहा है और अब देखा जा रहा है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं, जल्द ही कांग्रेस ज्वाइन करने वाले हैं कन्हैया मित्तल। बिल्कुल, देखिए इस तरह की राजनीतिक हलकों में चर्चा है और कन्हैया मित्तल का भाजपा ज्वाइन करने की जो चर्चाएं हैं वो काफी तेज हैं और जो इन्होंने ये गाना गाया था, जो लिखा था जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, ये पिछले विधानसभा चुनाव में भी और लोकसभा चुनाव में भी खूब जोर शोर से पार्टी ने इसका इस्तेमाल किया है, चाहे विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो। और अब फिर कन्हैया मित्तल की बारी है कि वो पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं और काफी ये उम्मीद है कि ये जल्द ही पार्टी ज्वाइन कर लेंगे। बिल्कुल, जल्दी उम्मीद है कि पार्टी भी ज्वाइन कर लेंगे। और जैसे गायक कन्हैया मित्तल हैं, यूपी इलेक्शन के दौरान खूब इनका ये गाना सुना जा रहा था और काफी चर्चा में भी रहा है, तो किस तरीके का असर होगा ये तो हालांकि वक्त के साथ देखना होगा। कांग्रेस ज्वाइन करने की अटकलें तेज थी और कब तक कोई समय है क्या कि ज्वाइन कर सकते हैं कोई? हालांकि उनका ये भी कहना है कि समय निश्चित नहीं है, लेकिन फिर भी कोई संभावना? और बीजेपी से हमारे साथ दुर्गेश केशवानी जी जुड़ गए हैं। दुर्गेश जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। जो